हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड शहर में फ्लेमिंगो नाम का एक किसान रहता था और ये बड़ा ही नेक और सच्चा इंसान था। एक दिन वह अपने खेती में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। अपने हाथ के औजारों को फेंक कर वो आवाज की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि एक बालक दलदल में फंसा हुआ है। उसके कमर तक कीचड़ है और वो इतना डरा हुआ है कि वो उससे डर के मारे कांप रहा है और जोर जोर से बचाने के लिए चिल्ला रहा है। वह इधर उधर देखता है, तभी उसे एक पेड़ की लंबी टहनी दिखती है। उसे उठाकर वो बच्चे की ओर फेंकता है और उस बच्चे की जान अपनी जान पर खेल कर बचाता है। दूसरे दिन सुबह इस गरीब किसान के घर के सामने एक आलीशान गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उस गाड़ी से ऊंचे वस्त्र पहना हुआ एक इंसान बाहर आता है, उसकी झोपड़ी में जाता है और उसे कहता है, मेरा नाम रैंडोल्फ चर्चिल है और कल तुमने जिसकी जान बचाई ना, वो मेरा बेटा था, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देने आया हूँ। और एक पैसों का बैग वो किसान के सामने रखता है। वो किसान कहता है कि मैंने जो काम किया वो मेरा कर्तव्य था, मानवता और इंसानियत के नाते मैंने काम किया है, इसलिए आपका ये इनाम मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मानवता और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई मोल नहीं होता है। और तभी खेलते खेलते वो किसान का बेटा झोपड़ी के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर चर्चिल की नजर उसके बेटे पर जाती है और वो सोचने लगते हैं और किसान से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? किसान गर्व के साथ कहता है कि हाँ, ये मेरा बेटा है। फिर मिस्टर चर्चिल किसान से कहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारे बेटे की एजुकेशन की, शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूं, और जैसी शिक्षा मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ वैसी ही शिक्षा मैं तुम्हारे बेटे को दूं, और जब वो बड़ा होकर कुछ बन जाएगा तो हम दोनों को उसके ऊपर गर्व रहेगा। किसान सोचने लगता है कि इतनी ऊंची शिक्षा मैं अपने बेटे को कभी नहीं दे पाऊंगा और एक बड़ा इंसान बनाने के लिए जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं वो भी मैं नहीं जुटा पाऊंगा। अपने बेटे के भविष्य के खातिर इस बात के लिए वो किसान तैयार हो जाता है। फिर दूसरे ही दिन शहर के सबसे बड़े स्कूल में उस किसान के बेटे का दाखिला हो जाता है। आगे चलकर लंदन के सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज से ये किसान का बेटा डिग्री लेकर बाहर निकलता है और पेनिसिलिन का आविष्कारक बनकर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो के नाम से जगह विख्यात होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। जो मिस्टर चर्चिल थे ना, उनका बेटा एक बार बहुत बीमार हो जाता है, उसे निमोनिया हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए पेनिसिलिन के ही इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तभी उसकी जान बचती है। और जानते हैं, मिस्टर चर्चिल का बेटा जो था वो थे मिस्टर विंस्टन चर्चिल की, जो ब्रिटेन के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह एक सच्ची कहानी थी और जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये कर्म बार बार लौट कर हमारे पास जरूर आते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हम तीन प्रकार से कर्म करते हैं, हमारी काया से, हमारी वाचा से और हमारी मन से, बुद्धि से। अगर हम तीनों कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो सच में हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। इसीलिए कहते हैं, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट, एंड वॉच योर हैबिट दे बिकम योर कैरेक्टर। हमारा व्यक्तित्व जैसे हमारे विचार रहते हैं वैसे बनता है, और इसलिए अगर हम हमारे विचारों को सही रखें तो हमारे अपने आप कर्म भी सही हो जाते हैं। इसलिए विचारों पर काबू पाना
बहुत जरूरी है, और जब हम विचारों पे काबू पा लेंगे तो अपने आप हमारा हर कर्म सही होगा, और सही कर्म हमेशा लौट कर अगर हमारे पास आता रहा तो जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।